वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इस लेक्चर में हम टाइम एंड टेंस के अंतर्गत सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। इसे हम अगर कहें कि यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो भी उतना ही उचित है। तो हम पढ़ेंगे यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें हम कितना 9 रूल्स 9 केसेस पढ़ने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। और मैंने पूरा कोशिश किया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया। तो शुरू करते हैं यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो हम जितने ट्रांसलेशंस करते हैं, जैसे राम खाता है, सीता हंसती है, बरसात होती है, रीमा चिट्ठी लिखती है, मोहन पत्रिका पढ़ता है, राम फेसबुक पर चैट करता है, मेरी माँ खाना बनाती है, मेरा भाई मूवी देखता है, जितना हम ट्रांसलेशंस करते हैं वह सब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेशन ये सब है। तो इससे भी एक रूल बनाया है, इसको बोलेंगे सिंपल यूज। जितना ट्रांसलेशन हम करते हैं, सीखते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे ही हैं, उसमें हमने किया है, उसे कहेंगे सिंपल यूज। तो सिंपल यूज मतलब जो काम प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है उसे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाते हैं। उदाहरण आपके सामने है और इसको हम याद करेंगे सिंपल यूज बोल के, ट्रिक रहेगा हमारा याद करने का। कहानी अब शुरू होती है और यह ट्रिक है आर आर एच एक्शन। आर आर एच का मतलब होगा आर फॉर रेगुलर, दूसरे आर का फॉर रिपीटेड और एच फॉर हैबिचुअल। तो अब दूसरा यूज होगा। पहला यूज तो हम कहेंगे सिंपल यूज, जितने ट्रांसलेशन में हमने पढ़ा उसे कहेंगे सिंपल यूज। अब हम करेंगे ट्रांसलेशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जितने हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया उसे कहेंगे सिंपल यूज। नाउ दूसरा कहेंगे आर आर एच एक्शंस। आर आर एच का होता है रेगुलर, रेगुलर। दूसरा होता है रिपीटेड, रिपीटेड। तीसरा होता है हैबिचुअल। अब मैं आपको बताऊं कि रेगुलर रिपीटेड होता है और रिपीटेड हैबिचुअल होता है, या रेगुलर हैबिचुअल होता है, या तीनों एक ही जैसा है, तो मेरी यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो काम हम रेगुलरली करते हैं वो काम रिपीट होना ही है, और जो रिपीट होना है उसे हैबिचुअल कहते हैं। हैबिचुअल मतलब आदतन, आदत वाला। दूसरा, जो हैबिचुअली करते हैं वो रिपीट करते ही हैं और फिर वो रेगुलर होता है। जैसे स्मोक करना, स्मोक, राम स्मोक्स, राम धूम्रपान करता है, यह हैबिट है, फिर राम को रिपीट करता है और यह रेगुलरली करना पड़ता है उसको, जब जब उसको तलब होती है स्मोक करने की तब करता है। तो हम कहेंगे तो इसे आर आर एच, लेकिन समझने के लिए जितने एग्जाम्पल्स हैं यहाँ तक, ये सारे के सारे रेगुलर रिपीटेड हैबिचुअल तीनों को फॉलो कर रहे हैं, तीनों डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इट रेन्स इन मंथ ऑफ जून, जून महीने में बरसात होती है, यह हर जून में बरसात होती है, 2020 में हुई थी, 21 में भी होगी। तो यह क्या है, यह हैबिचुअल है, हैबिचुअल है, यह रिपीट भी करता है, एवरी जून में रिपीट करता है, और एवरी जून में होना है तो रेगुलर भी है, तो इसे भी कहेंगे कि यह आर आर एच रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए जितने भी हैं सबको हम डिफाइन कर सकते हैं कि वह रेगुलर भी होगा, रिपीटेड भी होगा, हैबिचुअल भी होगा। जैसे रीमा गेट्स अप एट 5 AM, 5 बजे सवेरे जगती है रीमा, तो जगती है रीमा की आदत है, रीमा रोज जगती है, हैबिट है, रिपीट करती है इसको, तीनों में फॉल हुआ। तो हम कहने के लिए कहेंगे कि रेगुलर रिपीटेड हैबिचुअल एक्शंस को डालते हैं, लेकिन अगर हम देखें उसको गहराई से तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन याद करेंगे रूल नंबर 2 आर आर एच एक्शंस करके। इसके बाद का आर आर एच एक्शंस में हम तो अभी तो ये समझ गए कि जो रिपीट होता दिखेगा, जो रेगुलर होता दिखेगा, जो हैबिचुअल दिखेगा उसे आर आर एच एक्शंस कहेंगे। कुछ वर्ड्स भी होते हैं जो सेंटेंस में अगर यूज हो गए तो आर आर एच एक्शंस के लिए यूज होते हैं। जैसे हमेशा, हमेशा जहां बोल दिया मतलब कि रेगुलर होता है, रिपीट होता है, हैबिचुअल होता है। तो ट्रिक क्या कहते हैं हम, और सिंपल प्रेजेंट टेंस जब पूछता है तो 50% क्वेश्चंस पूछता है यहीं से, इसी स्लाइड से।
होता क्या है कि ये जितने वर्ड्स लिखे हैं, हिंदी भी सबका लिखा हुआ है, आप आराम से इस वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं सबके हिंदी, तो हिंदी लिखा हुआ है। ये वर्ड्स अगर सेंटेंस में यूज हो गए तो वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। दूसरे शब्दों में अगर एग्जाम में पूछता है कि बताओ कि यहाँ पे वर्ब क्या होगा, बोलेगा इधर विन है और विंस है, तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे ही ऑलवेज, तो यहाँ पे क्या होगा, विंस ही होगा। यहाँ पे अगर वोन भी रहता ना तब भी हम विंस ही करते, क्योंकि ऑलवेज लिख दिया ना, ऑलवेज आप देख रहे हैं शुरू में ही। तो ये सब वर्ड सेंटेंस में रहेंगे तो आप सिंपली उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे। सबका हिंदी आप बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और बहुत ही जब कलेक्शन किया गया है मेहनत करके इसको कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, किसी बुक में 2 वर्ड्स दिया था, किसी में 3 दिया था, सबको इकट्ठा किया है, लेकिन फिर भी 1-2 वर्ड छूटा हुआ होगा, बट आपका काम सही से होगा। ये सारे के सारे वर्ड्स जब होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना होता है। इसका यूज करके देखते हैं, यूज देखिए जो हम पीछे के स्लाइड देखे थे उसी को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, वर्ड्स को ले लिया है यहाँ पे। अब यूज देखा, यहाँ ऑलवेज है तो देखिए रिटर्न्स लिखा हुआ है, यह V5 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। जनरली है तो यहाँ पे कम्स लिखा हुआ है, हिंदी बहुत आसान है सेंटेंस का, हिंदी तो आप निकाल सकते हैं। नेबर है, आप जानते हैं कि नेबर भी यहाँ पे वर्ड है, नेबर भी रहेगा शुरू में ही है नेबर, तो नेबर है तो यहाँ पर कम्स किया हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार V5 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे एवरी है, एवरी यूज कर लिया तो इधर गोज किया हुआ है, कहीं भी रहेगा। ऑफन है, ऑफ्टन नहीं पढ़ते इसे, ऑफन पढ़ते हैं, यहाँ पे है जितना लिखा इसमें है, ऑफन है तो यहाँ पे गो करना पड़ा दे के अनुसार सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, ठीक है। इधर एवरी है, एवरी डे रहे, एवरी मंथ, एवरी वीक, कुछ भी रहे, एवरी खाली रहे कोई बात नहीं है, हमें एवरी रहना चाहिए, एवरी रहे तो यहाँ पे V5 कर दिया है। नेबर है तो रिपीट किया, नेबर है तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस कर दिया। तो ये वर्ड्स जिधर भी आएंगे ना आंख बंद करके लगाना है, और एग्जाम में ऐसे ही होता है, एग्जाम में ऑफन दे देगा और यहाँ पे गो की जगह पे ब्लैंक कर देगा और ब्रैकेट में डालेगा गो वेंट लिख देगा और बोलेगा कि आप करो, क्या करोगे, गो वेंट, तो अब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गो करें कि वेंट करें, क्योंकि दे के अनुसार तो गो भी हो जाएगा, दे के अनुसार वेंट भी हो जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस देखना कि ऑफन यूज हुआ है तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए गो ही होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज रूल नंबर 3, केस नंबर 3, दिस विल बी कॉल्ड एज UPP। पहला हमने देख लिया सिंपल यूज, सिंपल यूज में क्या कहा कि जो हम ट्रांसलेशन किए हुए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो सारे के सारे उसमें आएंगे। दूसरा हमने कहा RRH actions। तीसरा हम कहेंगे UPP। अब एक U का मतलब है तो यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको शॉर्ट में UT लिख देता हूँ। फिर परमानेंट एक्टिविटी, इसे शॉर्ट में PA लिख देता हूँ, और प्रिंसिपल को हम शॉर्ट में थोड़ा सा कर देते हैं, प्रिंसिपल ही लिख देते हैं। तो आप देखिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वह परमानेंट होता है, जैसे स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तारे रात में टिमटिमाते हैं, तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, पता है कि रात में टिमटिमाते हैं, तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है परमानेंट होता है, परमानेंटली होता है, राइट। और जो परमानेंटली होता है वो एक सिद्धांत नहीं होता कि तारे रात में टिमटिमाते, एक सिद्धांत है। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है परमानेंट एक्शन कहलाता है और एक्टिविटी कहलाता है, और परमानेंट एक्टिविटी या यूनिवर्सल ट्रूथ को हम प्रिंसिपल भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रिंसिपल का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, उसका मतलब प्रधानाध्यापक होता है, मुख्य होता है, यहाँ पे रहेगा प्रिंसिपल। तो फिर जैसे वाटर चेंजेस इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी वाष्प में बदलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो यह क्या है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, डेफिनेटली बदलता है, और पानी
बदलता है, यह फिजिक्स का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, बिल्कुल है। और जब यूनिवर्सल ट्रूथ है, बदलता है, तो परमानेंट एक्टिविटी भी है। जब सॉल्व करेंगे तो बदलेगा ही बदलेगा, तो यह क्या है, परमानेंट एक्टिविटी है। तो जिस तरह से हमने आरआरएच को एक दूसरे से अंतर संबंधित किया था, कहा था गहराई से देखे तो अंतर नहीं है, वैसे ही इसे भी यूपीपी को भी गहराई से देखिए तो अंतर नहीं मिलेगा आपको। तो कोई भी एक्टिविटी जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाली होती है, परमानेंट होती है, चाहे प्रिंसिपल वाली होती है, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक नोट में लिखा है, नोट वाला थोड़ा देख लेते हैं कि सच सेंटेंसेस एक्सप्रेस प्रेजेंट पास एंड फ्यूचर टाइम। कहा ना कि हम टाइम एंड टेंस के परस्पेक्टिव में पढ़ रहे हैं। अब ये तीनों टाइम को व्यक्त करता है। हमने जब टाइम एंड टेंस का लेक्चर देखा है उसमें आपको समझाया भी था, अभी समझा देता हूँ एक से ही, कैसे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टाइम को दिखा रहा है। सन राइजेज इन द ईस्ट, यह प्रेजेंट में हो रहा है, आज सन ईस्ट में राइज किया है, कल भी तो किया था ना, कल भी तो किया था, पास्ट में भी किया, प्रेजेंट में भी किया, और कल तो भी तो करना होगा, कल तो रूल बदलेगा नहीं, या किसी और डायरेक्शन में तो राइज नहीं करेगा। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टाइम को बोध करा रहा है। टू एंड टू इज फोर, यहाँ पे समझ लेते हैं, आज भी टू एंड टू इज फोर होता है, कल भी होता था और कल भी होगा, तीनों टाइम जितना लिखा ना, ये सारे का सारे तीनों टाइम। अब मदर लव्स हर चिल्ड्रेन, माता अपने बच्चे को प्यार करती है, चाहे जानवर की ही माता क्यों ना हो, मानव की तो छोड़ ही देते हैं, सबकी माताएं बच्चों को प्यार करती है। यह क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यह आज भी करती है, कल भी करती थी, और यह बदल नहीं सकता है। तो इस तरह से तीनों टाइम का बोध होता है। इस स्लाइड से आगे बढ़ते हुए हमने तीन रूल पढ़ लिया, सिंपल यूज, आरएच एक्शंस एंड यूपीपी। आगे बढ़ते हुए प्रोवर्ब्स होते हैं। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावत, लोकोक्ति, प्रोवर्ब्स की हिंदी होती है। तो कुछ लोकोक्ति सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। आपको थोड़ा सा हटते हुए यहां से बताता हूं कि जो लोकोक्तियां होती हैं, मुहावरे ही कहते हैं होती हैं, उन्हें प्रेजेंट टेंस में दिखाया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं, प्रेजेंट टेंस में दिखाया, तो सारे प्रेजेंट टेंस में होते हैं, किंतु कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी होते हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग। तो कुछ मुहावरों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाते हैं। लिखा है यहाँ पे, टुमारो नेवर कम्स, कल किसने देखा है, लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, कर भला तो हो भला। यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, इधर लिखा है हिंदी में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, काम को काम सिखाता है। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, दूध का जला छाछ भी फूक कर पीता है। अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, थोथा चना बजे घना। द फॉक्स टर्न्स मॉन्क, 70 चूहे खाकर बिली चली हज को। ये जितने ये सब देख रहे हैं, ये सब लोकोक्तियां हिंदी में, ये तो ठीक है, हिंदी में किस टेंस में है मतलब नहीं है। इंग्लिश में जितने आप देख रहे हैं, यह सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो कुछ लोकोक्तियां सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी होती हैं। तो अभी हमने चार रूल देख लिया, सिंपल यूज, हमने आरआरएच एक्शंस, यूपीपी और फिर प्रोवर्ब्स, चार रूल कंप्लीट हुआ। नाउ पांचवा, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। कब, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हियर या देयर से शुरू होगा, तब। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हियर या देयर से शुरू होगा तो उसके साथ हम उसको हम रखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जरा देखिए, हियर कम्स द रिजल्ट, यहाँ रिजल्ट आता है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आया, कम्स आया। देयर गोज द फ्लाइट, फ्लाइट जाती है, तो यहाँ पे ये गोज हो गया। देयर सी ब्लोज, वह मारती है, ब्लोज मतलब घुसा मारना। हियर राम कम्स, राम आता है, यहाँ हियर और देयर का मतलब ना कहें तो अधिक अच्छा है। जैसे हियर हियर
कम्स द रिजल्ट, रिजल्ट आता है। देयर गोज द फ्लाइट, फ्लाइट जाती है, वह घूसा मारती है, राम आता है। इस तरह से तो जब हियर देयर शुरू में रहेगा तो हमें करना पड़ता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए। तो यह यूज नंबर 5 हो गया। यूज नंबर 6 हो गया कि कमेंट्री जितने होते हैं, कमेंट्री किसके, आप क्रिकेट मैच कमेंट्री भी होता है या कोई घटनाएं घटती है उसका भी कमेंट्री होता है, तो सारे कमेंट्री को हमें इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करना होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यूज नंबर 6 देख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे देखिए क्रिकेट में कैसे होता है, कमेंट्री होती है, बुमराह जो एक बॉलर है आप जानते हैं, बुमराह थ्रोज द बॉल, बुमराह बॉल फेंकता है, रहाने हिट्स द बॉल एंड स्कोर 6, रहाने बॉल हिट करते हैं और छक्का होता है, हनुमान जी। अब ये तो क्रिकेट हो गया, अब यहाँ अगर कहें हम रामलीला तो हनुमान जी से लंका ऑन फायर, हनुमान जी लंका में आग लगाते हैं, राम किल्स रावण, राम रावण को मारते हैं। तो यहाँ पे जो हम करेंगे प्रोग्राम जो है पास्ट का ही है, लेकिन जब हम उसको कमेंट्री करेंगे देखकर बतलाएंगे क्या क्या हो रहा है, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना पड़ेगा। कोई इंसिडेंट होती है कहीं पे घटना, पुलिस गई तो किसी को रिपोर्ट करना है कि क्या हो रहा है वहां पे, तो आप इंग्लिश में अगर बताएंगे किसी को तो पुलिस केम टू द क्राइम सीन, पुलिस अपराध के जगह पर आती है, तो इसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बतलाएंगे। तो इस तरह से ये हो गया रूल नंबर 6। अभी हमने देखा, एक देखा सिंपल यूज, दूसरा देखा RRH एक्शंस, तीसरा देखा UPP, चौथा बताइए, पांचवा, छठा, चौथा UPP के बाद चौथा था, वापस जाना पड़ेगा मुझे भी, प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स पांचवा हमारे पास है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हियर देयर एक्सक्लेमेटरी, और छठा अपना आ गया कमेंट्री। ये 6 रूल हो गया। 7 नंबर रूल देखिए, 7 नंबर रूल है कि न्यूज़पेपर में किसी पास्ट घटना को लिखा जाता है तो उसे जीवंत बनाने के लिए उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ता है। मतलब न्यूज़पेपर में, अखबार में कोई घटना है तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यह रूल है न्यूज़पेपर्स का कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको लिखते हैं। और ऐसे ही कोई स्टोरी आप सुनाते हैं, चाहे कोई जोक सुनाते हैं, तो उसे भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में सुनाना पड़ता है। तो 7 नंबर में रहेगा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर स्टोरीज एंड जोक्स, ये आपको रूल 7 के अंतर्गत याद करेंगे। तो देखिए जैसे PM ने कोवैक्सीन का पहला डोज लिया तो पेपर में कैसे आएगा, द PM गेट्स द फर्स्ट डोज ऑफ कोवैक्सीन, वो लिया था, कल लिया था, आज पेपर में आना है, लेकिन लिखेगा क्या, गेट्स, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट घटना को उसको प्रेजेंट कर दिखाना है। द CM ऑफ बिहार कम्स टू छपरा, बिहार के मुख्यमंत्री छपरा आते हैं, तो यहाँ पे यह आ गए थे, पास्ट घटना थी, पेपर में लिखेगा ऐसे ही। तो ऐसे ही द कल्प्रिट एस्केप्स एंड कमिट्स अनदर क्राइम, अपराधी बच निकलता है और दूसरा क्राइम करता है, ये हिंदी है, और यह पास्ट में हो गया है, कहाँ बता रहा है, पेपर में। तो जो भी पेपर में बताएंगे उसको हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। राम द सन ऑफ अ लेबर, एक लेबर का जो लड़का है राम, क्लियर्स UPSC एग्जाम्स इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले प्रयास में ही UPSC एग्जाम्स को क्लियर करता है। तो यहाँ पे पास्ट की बात है, उसको प्रेजेंट में बता रहा है न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर इसे कैसे बताएगा, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताएगा। आप किसी को स्टोरी सुनाएंगे अगर इंग्लिश में तो सिंपल प्रेजेंट में सुनाएंगे, किसी को जोक सुनाएंगे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में सुनाएंगे, ध्यान रखेंगे हम। अब नाउ रूल नंबर 8 है कि कोई प्रोग्राम जो फिक्स हो गया है जिसे फ्यूचर में होना है, जैसे आज 13 मार्च है, हम कहें 15 मार्च को हम लाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद हम लाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट का लेक्चर आपके पास, हाँ, तो मैं कह दूंगा कि उसको भी यूज कर सकता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब ऐसे ही
प्राइम मिनिस्टर को पटना विजिट करना है, अप्रैल 21 में करना है, प्लान फिक्स है। इसे द पीएम कम्स टू पटना इन अप्रैल 21। तो जो भी प्लान फिक्स हो जाता है उसे हम सिंपल प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं। अगर आप इसे करते हैं द पीएम विल कम टू पटना इन अप्रैल 21, यह भी सही है, हिंदी होगी, पीएम पटना अप्रैल 21 में आएंगे, हिंदी आएंगे ही होगी। आप इसको विल शैल से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी दिखा सकते हैं। राम लीव्स फॉर लंदन नेक्स्ट वीक, राम अगले सप्ताह लंदन जाएगा, जाएगा लेकिन हमने लीव्स कर दिया है, तो आप राम विल भी कह सकते हैं और राम लीव्स भी कह सकते हैं। तो अगर कहें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग प्रोग्राम्स जो फिक्स हो गया है उसको दिखाने के करते हैं तो बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे आप। हाँ, आप फ्यूचर टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं फ्यूचर्स के प्रोग्राम्स को दिखाने के लिए, वो गलत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्डनेस बढ़ता है जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से उसको दिखलाते हैं और हमारी ज्ञान के ज्ञान प्रदर्शित होता है। नाउ कमिंग टू रूल नंबर 9th। रूल नंबर 9th थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जितना इम्पोर्टेंट था रूल नंबर 2 उतना ही इम्पोर्टेंट है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है, रूल नंबर 9 को बताऊं उससे पहले बताता हूं, देखिए जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको देखिए। इफ इट रेन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, अनलेस ही स्टार्ट्स अर्ली सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, आफ्टर राम कम्स बैक सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इफ यू कम सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, एज सून एज ही गेट्स रेडी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और इन सब के शुरू में देखिए इफ है, इधर अनलेस है, यह सब कंजक्शंस हैं। इफ है, एज सून एज है, ये सारे के सारे कंजक्शंस हैं। और इफ इट रेन्स यह क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, यह एक क्लॉज है। और कैसा क्लॉज, यह है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज को सम एक लेक्चर है क्लॉज का, आप जानते हैं, छोटा सा लेक्चर था। क्लॉज दो तरह का होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, SUBORDINATE सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या करता है कि उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है, जैसे कि वी शैल गेट वेट, यह एक प्रिंसिपल क्लॉज है। यहाँ पे सब्जेक्ट है वर्ब है, और प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में पूरा मीनिंग दे देता है, अगर उसके साथ वाले वर्ड नहीं भी रहे मीनिंग देगा। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या करता है, वहां भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है लेकिन पूरा मीनिंग निकालने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता लेनी पड़ती है उसको। तो ये सब तो हो गया, जो अंडरलाइन मैंने किया सारे के सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस शुरू होते हैं कंजक्शंस के साथ और ये पूरा मीनिंग नहीं देते अपने आप में। तो और सारे के सारे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और वी शैल गेट वेट जो मैंने सर्कल किया है, ही विल मिस द बस जो मैं घेर रहा हूँ, ये सारे के सारे फ्यूचर टेंस में है। रूल है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में रहेगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को होना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यही लिखा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज जनरली यूज इन सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। इफ प्रिंसिपल क्लॉज इज इन फ्यूचर टेंस, अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है, अभी इतना ही समझा रहा हूँ, बाकी भी समझाऊंगा, इतना। प्रिंसिपल क्लॉज अगर फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं तो इसे छोड़ नहीं सकते, एग्जाम में आता भी है, इतना तो आप समझ गए होंगे। लेकिन इसमें दो बातें हैं कि अगर टाइम और कंडीशन को एक्सप्रेस करना होता है तब क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज अगर फ्यूचर में है तो ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में तभी होगा जब यह टाइम और कंडीशन, कंडीशन की हिंदी होती है शर्त, टाइम और शर्त को एक्सप्रेस करेगा, बतलाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है ब्लू कलर से, इफ इन केस इवन इफ और अनलेस, यहाँ ग्रीन कलर से एज सून एज व्हेन आफ्टर बिफोर टिल अनटिल एज, ग्रीन कलर वाला यह टाइम के लिए यूज होता है और भी है, मैंने इतना ही लिखा है। और यहाँ पे जो लिखा है ब्लू कलर में, यह कंडीशन के लिए यूज होता है। तो
कंडीशन को बता रहा है, जहां जहां इफ है वहां वहां, जिधर जिधर आय सुन, देखिए आय सुनाज है यहाँ पे टाइम बतला रहा है, तो टाइम और कंडीशन बतलाएगा तो उस स्थिति में सबॉर्डिनेट क्लॉज को होना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो पहले क्या बताया, पहले बताया कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर फ्यूचर टेंस में रहेगा सबॉर्डिनेट क्लॉज को होना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन इसमें एक कहानी जोड़नी होगी कि सबॉर्डिनेट क्लॉज को टाइम और कंडीशन वाला होना चाहिए तभी होगा। और देख भी रहे हैं, वी शैल गेट वेट, हम भीग जाएंगे इफ इट रेन्स, अगर बरसात होगी। शर्त क्या है, शर्त है अगर बरसात हो गई, ये शर्त हो गया ना इफ, देखिए इफ कंडीशन में आ गया, अगर बरसात होगी तो हम भीग जाएंगे। यहाँ पे हिंदी जो बोल रहा हूँ इफ इट रेन्स, बरसात होगी बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, बरसात होती है भी कह सकते हैं लेकिन बरसात होगी भी कह सकते हैं, तो अगर बरसात होगी हम सब भीग जाएंगे, तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए आई सुन, हिंदी होती है ज्यों ही, जैसे ही ही गेट्स रेडी, जैसे ही वह तैयार होगा, As soon as he gets ready, जैसे ही वह तैयार होगा, we shall start, हम चलेंगे जैसे ही वह तैयार होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो जैसे ही क्या है, टाइम से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल है आफ्टर टाइम से रिलेटेड है, अनलेस शर्त वाला है, इफ शर्त वाला है, इफ शर्त वाला है। तीसरी बात, तीसरी कहानी इसमें है, इसमें चार कहानियां हैं। पहली कहानी क्या बताया कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर फ्यूचर में है तो सबॉर्डिनेट क्लॉज को नॉर्मली होना होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन ध्यान रखेंगे नॉर्मली ये टाइम एंड कंडीशन को ही एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। दो कहानी तो कह दी, तीसरी कहानी क्या है, तीसरी कहानी है कि एक पार्ट बतलाता है रीजन आर ए एस ओ एन, और दूसरा पार्ट ए सबॉर्डिनेट पार्ट बताता है, और दूसरा पार्ट बताता है रिजल्ट। देखिए इफ इट रेन्स कंडीशन तो है ही, इफ इट रेन्स क्या है, कारण बता रहा है कि अगर बरसात होगी इस बरसात के कारण से, वी शैल गेट वेट, हम भीग जाएंगे, परिणाम क्या होगा, भीग जाएंगे। तो एक पार्ट बतलाएगा क्या, रीजन, दूसरा पार्ट बतलाएगा रिजल्ट। आफ्टर राम कम्स बैक, अगर आफ्टर राम कम्स बैक मतलब राम के वापस, राम क्या होगा, राम के वापस आने के बाद, कम्स बैक मतलब राम वापस आएगा, राम के वापस आने के बाद वी शैल गेट आउट, हम बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, रीजन क्या है, राम वापस आएगा तो परिणाम क्या है, बाहर चले जाएंगे। तो एक रीजन, दूसरा रिजल्ट, तीसरी कहानी है। चौथी कहानी, चौथी कहानी है कि जितना आपने देखा सबॉर्डिनेट क्लॉजेस लास्ट में लिखा हुआ, आप इसे शुरू में भी लिख सकते हैं, पहला नंबर का लिख रहा हूं, इफ इट रेन्स, कमा देंगे आप इसके बाद फिर, और फिर आप उसको वैसे ही लिख देंगे, वी शैल गेट वेट, हम भीग जाएंगे। तो अगर आप सबॉर्डिनेट क्लॉज को शुरू में देते हैं तो कमा दीजिए, फिर प्रिंसिपल क्लॉज के जो पार्ट्स हैं उसे ही उसी सीक्वेंस में लिखिए। इसका भी अनलेस वी स्टार्ट्स, अनलेस ही स्टार्ट्स अर्ली कमा ही विल मिस द बस, सबको कर सकते हैं, सबॉर्डिनेट क्लॉज को शुरू में करके कमा देना पड़ेगा। ये चौथी कहानी है। तो चार कहानी याद रखेंगे आप इस पे, पहला प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे सबॉर्डिनेट क्लॉज में नॉर्मली, दूसरी कहानी इसमें होगी कि टाइम एंड कंडीशन के लिए होता है सबॉर्डिनेट क्लॉज, तीसरी कहानी हमने कहा कि सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या करेगा, रीजन बतलाएगा तो प्रिंसिपल क्लॉज उसका रिजल्ट बतलाएगा, चौथी कहानी लिखने का तरीका, सबॉर्डिनेट क्लॉज को पहले कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज को बाद में कर सकते हैं। बहुत जानकारी मिली है इस स्लाइड से। अब हमने पूरे 9 रूल्स पढ़े, पहला रूल क्या पढ़ा, सिंपल यूज, दूसरा रूल क्या पढ़ा, आर आर एच, देखिए रेगुलर रिपीटेड हैबिचुअल, तीसरा पढ़ा था यूपीपी, यूनिवर्सल परमानेंट एंड प्रिंसिपल, चौथा पढ़ा था प्रोवर्ब्स, पांचवा क्या पढ़ा था, एक्सक्लामेटिव सेंटेंसेस होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हियर और देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, बिगिन होता है,
फिर छठा पढ़ा था कि कमेंट्री, आंखों देखा हाल को हमें, चाहे वो क्रिकेट का हो, किसी प्रोग्राम का हो, किसी घटना का हो, उसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। सातवां देखा था कि न्यूज़पेपर में जो कहानियां बताई जाती है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट करना होता है, रूल्स होता है न्यूज़पेपर्स का। आप भी कोई कहानी बतलाएंगे या किसी को जोक कहेंगे इंग्लिश में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। साथ में ही हमने देखा कि फ्यूचर प्रोग्राम अगर फिक्स है तो उसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। फिर 9 नंबर देखा कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है तो सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो कि टाइम और कंडीशन के को एक्सप्रेस करता है नॉर्मली। तो इतने रूल्स पढ़े हैं हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के, आशा है आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल है, समझ में भी आया होगा। आप इसे बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, आप प्लेबैक स्पीड को बढ़ा करके 1.5 करके इसे रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।